अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? एक तो ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट जिसमें टर्म्स थी प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, क्लियर है ना? ये ट्रांजैक्शन हमने देख लिया। सीधा ट्रेडिंग ने जो 1,000 रुपये का माल बेचा था 2 महीने के साइड पीरियड पे, वो ट्रांजैक्शन हमने कम्प्लीटली देख लिया। लास्ट में हमने क्या देखा था? ऑलवेज एंड ऑलवेज बैंकर्स डिस्काउंट विल बी हाइयर देन ट्रू डिस्काउंट। ये क्यों देखा था? क्योंकि यहाँ पे सम ड्यू कंसिडर हो रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कंसिडर हो रहा है। वेयर सम ड्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेजेंट वर्थ, इसलिए बैंकर्स डिस्काउंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट। यहाँ तक हमने देख लिया था। अच्छा, आपको एक टर्म आएगा कैलकुलेट बैंकर्स गेन। आपको क्या आएगा क्वेश्चन? कैलकुलेट बैंकर्स गेन। तब क्या करना है आपको? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, दिस इज नथिंग बट बैंकर्स गेन। अच्छा, हमने जो देखा था एग्जाम्पल में, सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी ने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, क्लियर है ना? दिस 2 मंथ क्रेडिट पीरियड इज नथिंग बट नॉमिनल ड्यू डेट। नेम्स ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, आपको नाम के ऊपर से वैल्यू या अमाउंट निकालना पड़ेगा। दिस इज नॉमिनल ड्यू डेट। अच्छा, इसी में प्लस 3 डेज कर दिए, दिस इज नथिंग बट ग्रेस पीरियड। दिस इज योर लीगल ड्यू डेट, मतलब 2 महीने की साइड भी दे दिया आपने तो भी 3 दिन तो कस्टमर को मिलने ही वाला है टू पे द अमाउंट, एंड दिस विल बी लीगल ड्यू डेट। अच्छा, ये चीजें पता है ना आपको? जो बिल बना रहा है दैट इज ड्रॉवर, जिसपे बिल बनाया जा रहा है दैट इज ड्रॉइंग। जो पैसे दे रहा है वो पेयर, जो पैसे ले रहा है वो पी, जो नॉलेज दे रहा है वो नॉलेजर, जो नॉलेज ले रहा है वो नॉलेज ही, क्लियर है ना? जो भी ले रहा है वो ई लगा दो लास्ट में, और ये ई आर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान दो। सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी इज इन अर्जेंसी ऑफ फंड्स बिफोर 45 डेज। वो बैंक के पास चले गया था। बैंक ने क्या किया? बैंक ने उसका उसका इंटरेस्ट जो भी बनता है सम ड्यू के ऊपर कैलकुलेट करके सिद्धांत ट्रेडिंग को बता दिया। अच्छा, जो अमाउंट बैंक देगी सिद्धांत ट्रेडिंग को, ये इंपॉर्टेंट है, जो अमाउंट बैंक देगी सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी को, दैट अमाउंट इज नथिंग बट कैश वैल्यू, नेट कैश वैल्यू। अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट द नेट कैश वैल्यू, दैट विल बी नथिंग बट जो बैंक सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी को दे रही है। अच्छा, व्हाट विल बी दैट अमाउंट? व्हाट विल बी दैट अमाउंट? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू अपने केस में 1,050 था, फॉर एग्जांपल बैंक का डिस्काउंट हो रहा है 20 रुपये, देन बैंक विल पे रुपीज 1,030 टू सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी, दिस इज नथिंग बट कैश वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब बैंकर का इंटरेस्ट, सम ड्यू मतलब जो अमाउंट 2 महीने बाद रिसीवेबल होने वाली थी सिद्धांत ट्रेडिंग को कस्टमर के पास से, दैट इज सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ वॉज 1,000 रुपीज, क्लियर है ना? ट्रू डिस्काउंट आ गया, बैंकर्स डिस्काउंट आ गया, बैंकर्स गेन आ गया आपको। बैंकर्स गेन मतलब बैंकर्स गेन माइनस, सॉरी, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। कैश वैल्यू मतलब क्या है? जो सम ड्यू है उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट कट करके जो बैंक वैल्यू दे रही है, दैट इज नथिंग बट कैश वैल्यू, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सिद्धांत ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम बैंक। ये कुछ टर्म्स हो गए, इस पे ट्राई करो क्वेश्चंस, जो भी डाउटफुल है वो डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे।